सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि व्हीली कैसे होती है। तो व्हीली मैं नहीं करूंगा, मेरा फ्रेंड है मोहित, तो वो करके बताएगा और किस तरह कैसे उठती है, पॉप कैसे होती है और आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हो कैरी, तो वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ है मोहित। मोहित, सो गाइस, मैं हूँ मोहित और ये है अपनी बाइक R15। तो आज व्हीली करेंगे अपन R15 पे और रोड चेक कर सकते हैं, रोड बिल्कुल खाली है। सो गाइस, आप जब भी व्हीली सीखे या फिर कोई भी स्टंट सीख रहे हो तो सबसे पहले आप एक पब्लिक प्लेस से दूर चले जाएं और खाली रोड पे। तो आप ये देख सकते हो कि ये रोड क्लोज है, तो हम इसी पे आज करेंगे पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन व्लॉग। सो गाइस, आ चुके हैं अपन व्हीली करने के लिए। सबसे पहले पहनते हैं अपन ग्लव्स, और ग्लव्स पहनते हैं सबसे पहले, हाँ ये रहे, और करते हैं व्हीली स्टार्ट। और सबसे पहले मेन जो बात है वो है भाई रोड। किसी पब्लिक प्लेस पे कभी भी मतलब स्टंट वगैरह नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ रोड देख लो बिल्कुल वहाँ तक खाली है और सामने भी पोल वगैरह रखे हुए हैं। तो बताते हैं भाई कैसे क्या है, और आज व्हीली करेंगे भाई अपन R15M पे। तो भाई सबसे पहले बात बता दूँ, इसमें करते हैं भाई पहले तो ट्रैक्शन ऑफ, क्योंकि बिना ट्रैक्शन के बाइक पावर नहीं लेगी। और भाई देख लेना, मतलब आपके पास जो बाइक है उस बाइक के हिसाब से पावर जनरेट करना। मेरी बाइक 6000 RPM पे पावर दे देती है, तो मैं उसके हिसाब से ही मतलब व्हीली उठाता हूँ कौन सी स्पीड में क्या है। और बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं आपको पहले, तो अब बताता हूँ मैं आपको भाई बेसिक चीज़। सबसे पहले होना चाहिए भाई आपके टायर में प्रेशर कम, पीछे टायर में हल्का सा प्रेशर कम, हाँ मतलब 20-22 के हिसाब से प्रेशर रख सकते हैं अपन टायर में। एंड देन अब बताते हैं भाई व्हीली कैसे उठती है। तो सबसे पहले भाई आपको आनी चाहिए ब्रेकिंग, मतलब ऐसे बाइक उठाई, ये उठाई और ये नीचे रखी, ठीक है, मतलब कितनी भी हाइट चल जाए बाइक ऐसे हो जाए, ब्रेक नहीं छोड़ना भाई पीछे का, पीछे का ब्रेक पे पैर हमेशा रखना है। तो ये 6000 RPM पर लेनी है बाइक, ये उठाई और ये ब्रेक, मतलब ऐसे करना है टैप। तो लगाते हैं अब, है ना, तो बाइक रखनी है फर्स्ट गियर पे और स्पीड रखनी है 11-12 की स्पीड में, ठीक है, और RPM ले जाना है 6000। ये गया ब्रेक टैप और ये उठी बाइक, ऑफ ब्रेक, मतलब ब्रेक का सबसे मेन है भाई व्हीली में, व्हीली सीखनी है तो ब्रेक सबसे मेन है भाई। ब्रेक नहीं है तो भाई व्हीली मतलब कोई काम की नहीं है, मतलब उससे क्रैश होने का डर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब दिखाता हूँ यार आपको लंबी व्हीली, लगाते हैं लंबी व्हीली और बैक पे बिल्कुल पीछे होके ये पैर बिल्कुल चिपकाना है, ब्रेक टैप, तो पहले तो भाई आपको मेन चीज़ है वो ब्रेक तो बताई दिया मैंने, सेकंड है क्लच। भाई क्लच को पकड़ना आपको दो उंगली से या एक उंगली से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं भाई दो से पकड़ता हूँ क्योंकि दो से मुझे ग्रिप अच्छी सी मिलती है, दो से मतलब क्लच पकड़ लेना ऐसे दो से, ताकि मतलब बाइक हाइट पे जाए तो ये आपका हाथ पीछे ना छूटे ऐसे करके। तो दो उंगली से क्लच पकड़ना ऐसे, और जैसे बाइक चल रही है 20-22 की स्पीड में आपको ब्रेक टैप करना, आगे का ब्रेक टैप करना, ये अपने सॉकर अंदर जाएंगे, ठीक है, जैसे ही सॉकर अंदर जाए पीछे वाले ब्रेक से ऐसे, और जब वैसे ऊपर आए ना तो उसमें आपको ये करके और ये छोड़ना है, ठीक है, ऐसे करके, और सब ब्रेक मेन है, ब्रेक रखो और फिर आपको भाई व्हीली आनी चाहिए कैरी करना। व्हीली कैरी कैसे करते हैं तो अब दिखाते हैं, ये ब्रेक टैप नीचे, ठीक है, अब दोबारा ये ब्रेक है भाई, ये ब्रेक हो गया आपका। ब्रेक कैसे टैप करना है, जैसे हाइट पे जा रही है आपको लग रहा है कि भाई बाइक ज़्यादा हाइट पे जा रही है, तो पीछे का ब्रेक टैप करो हल्का हल्का हल्का, तो नीचे आ जाएगी, फिर थ्रोटल दो, फिर ऊपर ब्रेक से, फिर नीचे। तो दिखाता है आपको लंबी व्हीली फर्स्ट RPM, क्योंकि यार अभी गियर शिफ्टिंग का मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि गियर शिफ्टिंग में मेरा भी क्रैश हो चुका था, इसी रोड पर हुआ था, तो मैं गियर शिफ्ट नहीं करूँगा, आपको पहले गियर पर कैरी करना दिखाऊँगा व्हीली पहले गियर पर कैरी कैसे करते हैं। ये भाई लिमिटर आ जाता है यार अपना एक, तो यार बहुत जल्दी, हाँ तो ये थी बेसिक नॉलेज कुछ, तो एक बार दोबारा उठाते हैं। ए यार लिमिटर, हाँ लिमिटर सबसे बड़ी चीज़ है यार, ये भाई पहला गियर हो गया अपना कंप्लीट बस। और मेन ये है बाइक जैसे नीचे आ रही है तो हैंडल पे कंट्रोल रखना, क्योंकि बाइक है ना झटके से नीचे आती है, आपका हैंडल ऐसे मतलब ऐसे रहेगा, ओ ओ शेट 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 शेट, नो नो नो, ओ हो ओ ओ हो, अरे यार लगी भैया, अरे यार ये
एक तो है ना ईंट, यार ईंट बीच में रख रखी, बताओ। अरे यार भैया के लग गए यार ईंट वीट रख रखी बीच में, ईंट रख रखी, बताओ। जो इस भाई इस रोड पे भी है ना ईंटें पटक रखी है, इधर भी पटक रखी है, मेन रोड पे ईंट पटक रखी है। दवाई देने ले जाओ, फर्स्ट एड पड़ा है बॉक्स में, दूं क्या? बैग बाइक में पड़ा, फर्स्ट एड पड़ा है, दे दूं क्या दवाई? सर भैया का क्रैश हो गया, भैया को फर्स्ट एड देते पहले। हाँ अरे यार भाई अब जाके काम आया अपना, फर्स्ट एड फंस कैसे गया ये? तो गाइस आज के लिए यार स्टैंड यहीं पे रोकते हैं इसको, उधर उधमा ले चलते हैं ना। तो गाइस अब आज के लिए नहीं होगा क्योंकि यार अभी भैया और इसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ, ईंट वगैरह रखी, क्रिकेट खेलने बच्चे खेलते तो क्रिकेट है ना रोड, मतलब ये ईंटें रोड पे छोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यार एक्सीडेंट वगैरह हो गया भैया का तो बुलाया भैया के बंदे और लेके जा रहे हैं भैया को, तो आज के लिए इतना यार। सो गाइस आपने देखा कि अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद कंटिन्यू करना सही नहीं लगता, तो वैसे आपको मैक्सिमम तो चीज़ आपको पता ही लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलना।